बीजेपी मुख्यालय देहरादून में भाजपा मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां भाजपा सरकार केदारनाथ के विकास के लिए कार्य कर रही है, चार धाम यात्रा को सफल बनाने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस केदारनाथ की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। सुरेश जोशी ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में भी कांग्रेस जनहित के मुद्दों को छोड़ केदारनाथ की आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रही है। ऐसे में केदारनाथ की जनता कांग्रेस को उपचुनाव में सबक सिखाने वाली है। वहीं सुरेश जोशी ने चोपता में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की गाड़ी में पकड़ी गई शराब के मामले में कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की गाड़ी में शराब रखी थी, जिसकी शिकायत भी भाजपा ने की है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी वहां पर जो चुनाव लड़ रही है वो विकास के मुद्दे पर, और साथ ही साथ वो एक ऐसी विधानसभा है कि जो सनातन धर्मियों का सबसे बड़ा स्थान है भगवान केदार का, तो हम लोग वहां पर को हमारा पहला विषय विकास है, और विकास के साथ साथ हमारा विषय ये भी है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम भगवान केदारनाथ की उस धरती को और अच्छी तरह से संरक्षित करना चाहते हैं, उसको विकसित करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और इसमें 100% जो है कि एकतरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां पर है। लेकिन वहीं पर जो दूसरी पार्टी चुनाव लड़ रही है वो पूरा का पूरा चुनाव सनातन धर्म और हिंदू धर्म के खिलाफ लड़ रही है, क्योंकि उस केदार स्थली को जो देश और दुनिया का आध्यात्म का सनातन का सबसे बड़ा केंद्र है, उस केंद्र को किसी न किसी रूप में कमजोर करना चाहती है, हमारी आस्था को कमजोर करना चाहती है, हमारे धर्म को कमजोर करना चाहती है, हमारी परंपरा और संस्कृति को कमजोर करना चाहती है। तो इन दोनों के बीच में वहां पर चुनाव है, इसलिए 100% और बहुत बड़े मार्जिन से एकतरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही।